Hello everyone, this is Saurabh Goloi. You are watching Cardinal Adventure. और आज के सफर में हम जाने वाले हैं वो जगह जो वेस्ट बंगाल के रॉक क्लाइंबिंग लवर्स के फेवरेट है। एंड द प्लेस इज पुरुलिया। हावड़ा से ओवरनाइट ट्रेन पकड़ के हम लोग पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अनारा स्टेशन पे उतरे और स्टेशन से करीब 40 मिनट का ऑटो रिक्शा राइड करते हुए हम पहुंच गए टीलावनी हिल्स। क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स को कैरी करते हुए करीब 15 मिनट चल के जाना पड़ा रॉक फेस तक। आफ्टर अ क्विक रिफ्रेशमेंट वी स्टार्टेड द क्लाइंबिंग सेशन। रॉक क्लाइंबिंग की इस टाइप को कहा जाता है बोल्डरिंग, जहां पर 10 टू 30 फीट के बोल्डर्स को क्लाइंब किया जाता है। अपने रॉक क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल पेशेंस का यूज करते हुए इलेवन मेंबर्स के हमारे ग्रुप पे एक्सपर्ट लेवल से बिगिनर लेवल्स तक सभी टाइप का क्लाइंबर्स मौजूद था। जहां पर एक्सपर्ट क्लाइंबर्स नए नए चैलेंजेस को ओवरकम करने में लगे थे, वहीं पर मेरे जैसे बिगिनर्स एक्सपर्ट क्लाइंबर्स के इंस्ट्रक्शन पर चलते हुए नए नए स्किल्स को सीखने की कोशिश कर रहे थे। Rock climbing is a physically demanding game. It takes a lot of practice to learn new skills and regular exercise to build strength. And obviously, a lot of mental patience you have to have to achieve this all. पर सबसे बढ़िया बात यह है कि टीलावनी हिल्स पे बहुत सारे बोल्डर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स के हिसाब से।
And yes, there is a grading system which defines the difficulty level of a rock. But in simple terms, you can judge a rock with the angle of the face. 90 degree is called wall, less than 90 degree is slab, and greater than 90 degree is called overhang. And obviously, more angle is more difficult. Your instructor may suggest you some of the boulders that you are comfortable with and steadily move to the higher difficulty levels as per your learnings and your progression. As per my instructor suggest me, I take on this climb, that of quite lower difficulty level, and I have comfortably climbed this. And yes, safety is the biggest concern in these sports. आपको नहीं पता कौन सा बोल्डर आपके लिए टफ होने वाला है, या तो कोई ऐसा गलत मूव जो आपका फेल होने वाला है. Sometime you would not able to find the route for the next move, and your mental patience would give up. So before you start climbing, you should double check all your safety gears. Your rope, carabiners, harness, and the man holding your rope should be that much capable and experienced enough to break the rope with proper technique if you are falling. दूसरे क्लाइंबर की रोप को होल्ड करना, फॉल होने के समय प्रॉपर टेक्निक से ब्रेक करना खुद से एक सीखने वाला स्किल है. दिस इज कॉल्ड टेक्निक ऑफ बिलेइंग. रिमेंबर, अ फॉल फ्रॉम ओनली 5 फीट ऑफ हाइट मे लीड टू अ लिगामेंट इंजरी एंड इट मे गोज एज वर्स एज फ्रैक्चर ऑफ बोन्स. सो अगर आप रॉक क्लाइंबिंग को एक स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहते हो, मेक श्योर यू आर क्लाइंबिंग विद द इंस्ट्रक्टर विथ यू एंड ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, एंड डेफिनेटली
Don't forget to enjoy the unlimited beauty of nature surrounds you. दिन भर क्लाइंबिंग करने के बाद हम लोगों को फिर से रेलवे स्टेशन तक लौटना था शाम होने के पहले, इसीलिए हम लोग पहले से ही ऑटो रिक्शा वाले को बुक करके रखा था बिकॉज देयर इज नो अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल इन दिस एरिया। और देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए अनाड़ा स्टेशन पर, जहां से हावड़ा जाने वाला ट्रेन हम लोग पकड़ने वाले थे। That's it for the today's video. See you in the next video, and don't forget to like, comment, share, and subscribe.